नमस्कार। कृषि समाचारों के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले नजर आज की खास खबरों पर। उत्तर प्रदेश की धान खरीद एवं लेवी चावल नीति में संशोधन किया जाएगा ताकि नीतियों में व्याप्त विसंगतियां दूर हो सकें। खाद्य एवं रसद मंत्रालय इस तरह का प्रस्ताव बना रहा है। दरअसल चावल मिलों के लिए न्यूनतम 2 टन की क्षमता अनिवार्य किए जाने से पूर्वांचल की अधिकांश चावल मिलों के प्रतिबंधित हो जाने और मिलों को भारी नुकसान से बचाने के लिए यह संशोधन किया जा रहा है। वास्तव में इस वर्ष के लिए जारी धान क्रय नीति में 2 मीट्रिक टन से कम क्षमता वाली चावल मिलों से कस्टम मिलिंग का कार्य प्रतिबंधित किए जाने से उत्पन्न विसंगति दूर करने के उद्देश्य से यह संशोधन किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के ग्रामीण विद्युत उपभोक्ताओं को अगले 3 माह तक बिजली की बढ़ी दरें नहीं देनी होंगी। 2 किलोवाट लोड तक के ग्रामीण बिना मीटर के घरेलू और कमर्शियल उपभोक्ताओं से वर्ष 2013-14 की ही बिजली दरें वसूली जाएंगी। पिछले दिनों नियामक आयोग ने सभी विद्युत वितरण कंपनियों को इसके आदेश जारी कर दिए हैं। इससे प्रदेश के लगभग 50 लाख से अधिक उपभोक्ताओं को लाभ मिलेगा। उल्लेखनीय है कि नियामक आयोग ने पावर कॉरपोरेशन को 31 मार्च तक घरेलू ग्रामीण और कमर्शियल उपभोक्ताओं को घरों में मीटर लगाने और उपभोक्ताओं के विद्युत लोड की जानकारी मांगी है। पशुओं की बीमारियों की रोकथाम के लिए बस्ती मंडल मुख्यालय पर स्थित जिला पशु चिकित्सालय में पशु पॉली क्लिनिक खोले जाने के लिए उत्तर प्रदेश शासन द्वारा 28 करोड़ रुपयों की स्वीकृति दी गई है। पॉली क्लिनिक के हाईटेक भवन, चिकित्सा उपकरण, एक्सरे मशीन, अल्ट्रा मशीन आदि के लिए 18 करोड़ रुपए अवमुक्त भी कर दिए गए हैं। इस पॉली क्लिनिक के बनने के बाद जहां आसपास के जिलों के पशुपालकों को हाईटेक चिकित्सा का लाभ मिलेगा, वहीं पशुओं की होने वाली मौतों में भी कमी आएगी। उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश के 8 मंडल मुख्यालयों पर पशु पॉली क्लिनिक की स्थापना की जा रही है। किसान भाइयों, आपको बताते चले कि पशु पॉली क्लिनिक में हर समय कम से कम 60 डॉक्टर उपलब्ध रहेंगे। साथ ही पैथोलॉजी, गायनोलॉजी, सर्जरी व फिजिशियन की सुविधा मौजूद होगी। यहाँ पशुओं के ऑपरेशन भी हो सकेंगे। किसान भाइयों, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों ने रासायनिक खाद को तरल रूप में तैयार किया है। ये खाद अब बंद बोतलों में मिलेगी। यह तरल खाद पर्यावरण के अनुकूल होने के साथ ही साथ मिट्टी के जैविक गुणों को बरकरार रखेगी। इस तरल जैव उर्वरक यानी लिक्विड बायो फर्टिलाइजर NPK के नाम से उपलब्ध इस खाद को कुछ महीने पहले ही FCO यानी फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन की ओर से मान्यता मिली है। किसान भाइयों, अभी तक फास्फोरस, पोटाश जैसी खादों के लिए यह तरल अलग अलग उपलब्ध था। पहली बार एक ही तरल में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश को उपलब्ध कराया गया है। इस तरल खाद का प्रयोग बीज बोने से पहले किया जाता है। बीज को उर्वरक व पानी के घोल में मिलाकर डाला जाता है। 1 एकड़ के लिए 100 मिलीलीटर खाद पर्याप्त होती है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान अपनी खास तकनीक और उन्नत किस्म के बीजों को बेचने का अधिकार किसानों द्वारा बनाई कंपनियों को दे रहा है। संस्थान का ये कदम किसानों के लिए किसी अनमोल सौगात से कम नहीं। किसान अपने बीज कंपनियां बनाकर बीजों के मामले में हो रही धांधलियों को दूर कर सकते हैं। अभी तक बीजों के बाजार पर मल्टीनेशनल और बड़ी कंपनियों का वर्चस्व था। इस क्षेत्र की भरपूर संभावनाओं को देखते हुए भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान किसानों को आगे आने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है। अभी जल्दी संस्थान ने सरसों व गेहूं की कई हाइब्रिड किस्मों और जैविक खाद की बिक्री के लिए 55 कंपनियों के साथ समझौता किया है। इनमें से कुछ कंपनियों को हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश के किसानों ने शुरू किया है। बीज की बिक्री योजना से जुड़ने वाले किसान अच्छी कमाई कर सकेंगे। आलू की कीमतों की तेजी को रोकने तथा घरेलू उपलब्धता बढ़ाने के लिए भारत सरकार आलू का आयात करेगी। हाल के सप्ताहों में आलू की कीमतों में तेजी आई है। इस संदर्भ में सहकारिता संस्था नाफेड शीघ्र निविदा जारी करेगी और उम्मीद की जा रही है कि नवंबर के अंतिम सप्ताह तक आलू की पहली खेप भारत तक पहुंच जाएगी। जनवरी तक आलू की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए आलू का आयात यूरोप और पाकिस्तान जैसे देशों से किया जा सकेगा।
भारत सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों की लोकप्रिय योजना मनरेगा की समीक्षा का मन बना लिया है। सरकार का कहना है कि इसे विशुद्ध रूप से दलीय उद्देश्यों के लिए फायदा लेने की अनुमति दी गई है। मंत्रालय ने सुझाव दिया है कि इसे कौशल विकास कार्यक्रम से जोड़ा जाएगा। मंत्रालय के मुताबिक मनरेगा में सामूहिक रूप से सुविचारित विकास परियोजनाओं की काफी कमी रही। इसमें गांव की जरूरतों और इस योजना के तहत की गई गतिविधियों में कोई तालमेल नहीं था। किसान भाइयों, तो ये थे आज के कुछ प्रमुख कृषि समाचार। अब आइए जानकारी लेते हैं खेती बाड़ी से जुड़ी कुछ समसामयिक जानकारियों की। धान की बालियों को चूहों से बचाने के लिए जिंक फॉस्फाइड से बने चारे अथवा एल्युमिनियम फॉस्फाइड की गोली का प्रयोग करें। धान की अगेती फसल की कटाई करें। सिंचित दशा में गेहूं की बुआई अक्टूबर के दूसरे पखवारे से नवंबर के पहले पखवारे तक उचित नमी पर करें। क्षेत्र विशेष के लिए संस्तुत प्रजाति का चयन करके शुद्ध और प्रमाणित बीज की बुआई हल के पीछे कूड़ों में या सीड ड्रिल से करें। उर्वरकों का प्रयोग मृदा परीक्षण के आधार पर करें। रबी मक्का की बुआई इस माह के इस पखवारे से नवंबर के दूसरे पखवारे तक करें। बीज जनित रोगों से बचाव के लिए थिरम 2.5 ग्राम अथवा कार्बन डाइजिम 2 ग्राम 50% प्रति किलोग्राम बीज की दर से शोधित करें। शरदकालीन गन्ने की बुआई के लिए बीज की व्यवस्था करें। प्रजातियां हैं कोशा 8436, कोशा 88320, कोशा 8432, कोशा 95436, कोसे 01235, कोसे 00235, यूपी 9530। किसान भाइयों, राई सरसों की बुआई करें। सिंचित दशा में नरेंद्र अगेती राई 4, रोहिणी, माया, उर्वशी, नरेंद्र स्वर्ण राई 8, एनडी राई 8501, संपूर्ण प्रदेश तथा मैदानी क्षेत्रों के लिए वरुणा व बसंती आदि उपयुक्त हैं। मटर की बुआई नवंबर के मध्य तक हल के पीछे कूड़ों में या पंतनगर 0 टिल ड्रिल द्वारा करें। संकर टमाटर की खेती के लिए पौध की रोपाई करें। हरी खाद उपलब्ध न होने की दशा में 15 से 20 टन गोबर की खाद प्रति हेक्टेयर की दर से डालें। रबी सब्जियों जैसे मूली, शलजम, गाजर, चुकंदर, पालक, सोया, मेथी आदि की बुआई करें। केले में 100 से 125 ग्राम DAP उर्वरक प्रति पौध हल्की गुड़ाई करके मिट्टी में मिलाएं। पपीते के नए बाग लगाने के लिए पौधों की रोपाई करें। किसान भाइयों, तो ये थे आज के प्रमुख कृषि समाचार। आइए अब नजर डालते हैं कुछ मंडियों के ताजा औसत मंडी भाव पर। गेहूं, आगरा की मंडी में 1435 रुपए, चंदौली की मंडी में 1535 रुपए, अलीगढ़ की मंडी में 1475 रुपए और इलाहाबाद की मंडी में 1565 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से रहा। चावल, आगरा की मंडी में 2055 रुपए, चंदौली की मंडी में 1845 रुपए, अलीगढ़ की मंडी में 2030 रुपए और इलाहाबाद की मंडी में 2120 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से रहा। सरसों, आगरा की मंडी में 3265 रुपए, चंदौली की मंडी में 3570 रुपए, अलीगढ़ की मंडी में 3235 रुपए और इलाहाबाद की मंडी में 3430 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से रहा। प्याज, आगरा की मंडी में 1930 रुपए, चंदौली की मंडी में 1820 रुपए, अलीगढ़ की मंडी में 1900 रुपए और इलाहाबाद की मंडी में 1550 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से रहा। गुड़, आगरा की मंडी में 3300 रुपए और चंदौली की मंडी में 3440 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से रहा। किसान भाइयों, ये थे आज के कृषि समाचार और औसत मंडी भाव। कृषि समाचार के अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी कृषि जगत से जुड़ी नई नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए अनुमति, नमस्कार। और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है, अब तो लाला जी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ,
किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिकर ना कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ श्यामू भैया, सरकार कह रही है पूर्वी भारत में भी दूसरी हरित क्रांति आएगी। अरे ये तो पंजाब और हरियाणा में हुआ था, यहाँ तो अनाज की पैदावार अब भी कम है। सरकार की बातों में कुछ तो दम होगा, आखिर यहाँ बारिश 3 गुना होती है। चलो वैज्ञानिक का नंबर मिलाते हैं। अरे वाह, आ गए। नमस्ते सरपंच जी। हाँ भाई, उपजाऊ जमीन की कीमत को पहचानो, जरूरत है सिर्फ सही किस्म और तकनीक अपनाने की। पूर्वी भारत में सरकार कम गहरे नलकूप और बोरवेल के निर्माण के लिए सहायता दे रही है। लेकिन सरकार से और मिलेगा क्या? भरपूर मदद, जमीन की तैयारी से लेकर फसल की कटाई तक तकनीकी सलाह, 1000 हेक्टेयर के सैकड़ों क्षेत्रों में चावल और गेहूं के खास प्रदर्शन भी चल रहे हैं। अरे वाह, फिर तो हमारे खेत भी लहला उठेंगे। क्या ये सपना सच होगा? हाँ जरूर, पूर्वी भारत अब हरित क्रांति का अग्रदूत होगा। आओ हम सब मिलकर कदम बढ़ाएं। किसान भाइयों नमस्कार। कार्यक्रम कृषि दर्शन के आज के अंक में कृषि समाचारों के बाद एक बार फिर से आप सभी किसान भाइयों का स्वागत है। किसान भाइयों, कोई भी फसल हम अपने खेतों में लगाते हैं तो कीट एवं बीमारियां सबसे ज्यादा नुकसान करते हैं, उनसे बचाना हमारी जो है सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। इसी तरीके के आज के अंक में हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि रबी तिलहनी फसलों में जो एकीकृत नाशी जीव प्रबंधन है वो कैसे करें, और इस विषय को विस्तार से बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कृषि विज्ञान केंद्र मऊ से कार्यक्रम समन्वयक डॉक्टर DP सिंह जी। आइए उनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम कृषि दर्शन में। मैं अपने सभी किसान भाई की तरफ से जानना चाहता हूं कि जो एकीकृत नाशी जीव प्रबंधन यानी IPM है, ये क्या है? IPM एक विधा है जिसके द्वारा हम जो बीमारियां कीड़े लगते हैं उनका हम नियंत्रण करते हैं, समय मतलब उसको सभी को मिला करके। आज का परिवेश यह है कि खासतौर से जो नकदी फसलें हैं इनमें रासायनिक दवाइयों का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। उसका दुष्परिणाम यह होता है कि बाद में हमारे फसलों में तरह तरह की बीमारियों का निदान नहीं होता है और तरह तरह की मानव जातियों में बीमारियां लगती हैं। इसके बचाव के लिए हम IPM के तहत हम 4 कंपोनेंट हैं उनका प्रयोग करते हुए रासायनिक दवाइयों का कम से कम प्रयोग करते हैं। इनमें जो 4 कंपोनेंट हैं, सबसे पहला है सस्य क्रियाएं। सस्य क्रियाओं के अंतर्गत हम समय से बुआई करें, पौध से पौध की दूरी का मेंटेन करें, खरपतवार का नियंत्रण करें। दूसरा तरीका है यांत्रिक विधि। यांत्रिक विधि में जैसे कीड़ा है या बीमारी है, इसका एक आर्थिक क्षति स्तर होता है, उसके यदि नीचे है तो हम उसको चाहे तो तोड़ करके उसको फेंक दें, या हम तरह तरह के तरीके हैं कि हम उसमें उसको लगा करके उसको हम यांत्रिक विधि से कंट्रोल करते हैं। तीसरा विधि है इसमें जैविक विधि। जैविक विधि में कीड़े ही कीड़े का भोजन है, मतलब कि जो जीव है जीव का भोजन। इसमें हम परजीवी, परभक्षी कीड़े आते हैं, कीड़े के द्वारा कीड़ों का नियंत्रण, या हम कीड़े के द्वारा पादप बीमारियों का नियंत्रण करते हैं।
तो ये हो गया जैविक विधि। जैविक विधि में एक फायदा और है कि रासायनिक में जो हम दवाइयां डालते हैं उसका दुष्परिणाम रहता है, और जैविक में हमको कोई उसका वातावरण पर या मनुष्य जाति पर कोई असर नहीं पड़ता। दूसरा चीज, भारत सरकार का और उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जैविक दवाइयों पर 50% तक छूट दी जाती है। इसके से हमारी जो खेती में लागत बढ़ती है वो कम होती है। चौथा इसमें है वह है रासायनिक विधि। रासायनिक विधि में हम यदि सुरक्षित रासायनिक कीटनाशक का प्रयोग करते हैं तो हमारे वातावरण पर कोई उसका दुष्परिणाम नहीं होता है। और किसान भाइयों कोशिश करें कि हम यदि समय से खेती कर रहे हैं तो हमें लास्ट स्टेप में रासायनिक दवाइयों का प्रयोग करना पड़े तो हम सुरक्षित कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग करें, न कि जो शुद्ध जहर हैं जिसमें आप बोतल पर देखेंगे तिकोने आकार की संरचना बनती है और लाल निशान लगा होता है। लाल निशान की दवाइयों का आप पूरी कोशिश करें कि हमें अपने खेती के प्रयोग में न लाना पड़े। यही एकीकृत नाशी जीव प्रबंधन है जिसको हम संक्षिप्त रूप में IPM शब्द दिया जाता है। बिल्कुल, और एक अच्छी बात यह भी है कि ज्यादा से ज्यादा जो है जैविक दवाइयों का प्रयोग करें, रासायनिक चीजों का प्रयोग जितना ही कम करेंगे एक तो फसल सुरक्षित रहेगी, साथ ही साथ हम सब भी सुरक्षित, वातावरण सुरक्षित रहेगा, मनुष्य जाति पर उसके देखते होंगे आप कि इसके वजह से तरह तरह की बीमारियां जैसे पेट से संबंधित या आंखों में छोटे छोटे बच्चे हैं उनको चश्मा लग जाना, बाल का पकना, ये जितनी भी दवाइयां हैं ये सब जो रासायनिक खाद या रासायनिक दवाइयां प्रयोग की जा रही हैं इसका ही इफेक्ट है, इनके कारण से है। तिलहनी फसलों में प्रमुख कौन कौन सी फसलें हैं? तिलहनी फसलों में मुख्यतः फसल है आपकी तोरिया की और दूसरी है सरसों की। तिलहनी में तोरिया जो है इसका बुआई का समय निकल चुका है और अब जो आने वाला समय है सरसों के बुआई का समय है। सर मुख्यतः ये जानना चाहूंगा जो बीमारियां हैं सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती हैं, तो बीमारियां कौन कौन सी हैं और कैसे हम उनकी पहचान करें? बीमारियों में जो हमारी इसमें तिलहनी वर्ग में जो बीमारियां आती हैं उसमें है चूर्णी लासिरिता जिसको पाउडरी मिल्ड्यू कहते हैं और दूसरा है रस्ट जिसको हम गेरुई रोग कहते हैं। पाउडरी मिल्ड्यू का लक्षण है कि हमारे हरे पत्ते जो हैं भोजन बनाते हैं जी। और ये पत्तियों पर पूरा सफेद रंग का पाउडर जम जाता है और बाद में वो उसको खत्म कर देते हैं। हरापन नहीं रहेगा तो उससे होता क्या है कि भोजन नहीं बनेगा और दाने यदि बनेंगे नहीं, यदि बन भी गए तो उसमें वो बेकार होते हैं, तेल का प्रतिशत नहीं रहेगा। तिलहनी फसलों में एक बात का विशेष ध्यान रखें किसान भाई कि अभी लगाने का समय है सरसों का तो इसमें गंधक सल्फर का प्रयोग अवश्य करें। इसके लिए आपको यदि अलग से वेसल ड्रेसिंग के रूप में सरसों का गंधक का प्रयोग करना है तो वो आप 20 से 25 केजी प्रति हेक्टेयर आप इसका बुरकाव के रूप में प्रयोग करें, इससे आपको फायदा मिलेगा। और यदि आपको यह नहीं संभव है तो आप DAP के बजाय आप सिंगल सुपर फास्फेट का प्रयोग करें। सिंगल सुपर फास्फेट में गंधक ऑलरेडी रहती है तो ये सबसे बढ़िया रहेगा, क्योंकि ये गंधक जो है ये हमारे चाहे दलहनी हो तिलहनी हो इनमें दानों में बोल्डनेस, दानों में तेल का प्रतिशत बढ़ाने का काम करते हैं। तो इसलिए इसका विशेष ध्यान रखें कि हमें समय से बुआई करनी है और उसके साथ साथ हमको सल्फर का प्रयोग करना है। बीमारी की जो बात है वो पाउडरी मिल्ड्यू की, पाउडरी मिल्ड्यू आपका ये जब ठंडक बढ़ेगी धूप नहीं निकलता है उस समय ये पाउडरी मिल्ड्यू अटैक करता है। उसके लिए हमें डाइथेनियम 45 इसका 2.5 से 3 ग्राम मात्रा पाउडर का प्रति लीटर पानी के हिसाब से आप जैसा पानी लगे, यदि मान लीजिए पीठ की टंकी है 15 लीटर लग रहा है तो जैसे पानी बढ़ेगा वैसे दवाई की मात्रा बढ़ेगी। उसमें एक चिपकने वाली कोई ना कोई चीज जो भी घर में उपलब्ध हो उसको आप इससे चिपकने वाली चीज से ये फायदा रहेगा कि वो पौधों पर दवाई को संपर्क में बनाए रखती है। तो इसका आप यदि 15-15 दिन के अंतराल पर प्रयोग करते हैं तो इससे आपको फायदा मिलेगा, इससे नियंत्रण हो सकता है। दूसरी बीमारी जो आपने बताई थी उसका क्या पहचान है, क्या लक्षण है? दूसरी बीमारी जो मैंने रस्ट गेरुई की बात की वो आप देखते होंगे पाउडर बालियों में दाने न बन के पाउडर बन जाता है और हल्के भूरे रंग का पाउडर बनता है। इसका नियंत्रण हमको बीज उपचार, सबसे बढ़िया तरीका इसका बीज उपचार है। अभी आप बुआई का समय आ रहा है उसका सीड ट्रीटमेंट करें। बीज उपचार के लिए आपको 3 ग्राम कार्बेंडाजिम का प्रयोग केजी प्रयोग करते हुए, जैसे मान लीजिए 1 हेक्टेयर में 5 से 6 केजी बीज लगता है तो 18 ग्राम पाउडर को आप इसमें मिला करके इसकी बुआई कर दें, इससे आपको निदान मिलेगा। और यदि उकठा की समस्या आती है तो इसी के साथ साथ आप ट्राइकोडर्मा पाउडर का आप प्रयोग करें। ये आप 5 से 10 ग्राम प्रति केजी बीज के हिसाब से ट्राइकोडर्मा पाउडर का प्रयोग करेंगे तो वो आपके जो उकठा वाली बीमारी का नियंत्रण का
हो जाएगा। दूसरा चीज, उकठा बीमारी के नियंत्रण के लिए हमको फसल चक्र का ध्यान रखना चाहिए कि हम ये कोशिश करें कि यदि दलहनी तिलहनी फसल पिछले वर्ष हमारे यदि लिए थे उसमें उकठा लगा है, गेरुई लगी है, तो हम अवॉइड करें कि इस प्लाट पर हम उस तिलहनी या दलहनी फसल ना लगाएं, अलबत्ते उसके बजाय हम दूसरी फसल का प्रयोग करें। साथ साथ कीड़े भी बहुत नुकसान करते हैं और सब, तो कौन कौन से प्रमुख कीड़े हैं और क्या उनकी पहचान हो, कैसे बचाव करें? इसमें जो कीड़े आते हैं, जो सबसे ज्यादा समस्या आती है वो माहू कीड़े की आती है। माहू कीड़े का लगने का समय दिसंबर, 15 दिसंबर से लेके 15 जनवरी का समय है। इसमें देखते होंगे कि ये हल्के हरे रंग का पीले रंग का कीड़ा होता है, इसकी प्रौढ़ और शिशु दोनों अटैक करती है और यह सबसे पहले नाजुक पोर्शन पर, आपके ऊपरी पोर्शन पर ही अटैक करती है और जब हैवी अटैक हो जाता है तो ये पूरे पौधों को पर उसको अटैक कर देती है और पौधों के हरे भाग को ख़त्म कर देती है। तो उसके नियंत्रण के लिए हमको जब ये ह्यूमिडिटी का समय होता है तब किसी सुरक्षित कीटनाशक दवाई का प्रयोग करते हुए इसका हम बचाव कर सकते हैं। इसके लिए हमको डाइमिथोएट 1.5 से 2 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से हम इसका यदि 15-15 दिन के अंतराल पर 15 दिसंबर से लेकर 15 जनवरी के बीच में प्रयोग करते हैं तो उससे हमको फायदा मिलता है। और साहब बहुत अच्छी आपने जानकारी दी और सबसे अच्छी बात आपने कही कि खेत खुद बोलता है कि हमें क्या चाहिए, खाद चाहिए, पानी चाहिए, कीटनाशक चाहिए। बिल्कुल, बस जरूरी ये बात यह है कि हम लगातार खेत का निरीक्षण करते रहें और समय समय पर देखते रहें कि किन चीजों की जरूरत है, वो आवश्यकता पूरी कर दें और बेहतर फसल उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। तो इन सभी जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।